भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों की आपसी रंजिश की खबरें आती रहती हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है। दोनों अक्सर फैंस के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे हैं। इन सब के बीच खेसारी लाल का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें अभिनेता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस वीडियो में खेसारी लाल ने दावा किया है कि उनका हाल भी सुशांत सिंह राजपूत जैसा हो सकता है। ये बर्बाद करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री फुल सपोर्ट कर रही है उसको। आपको बता दें, भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और गीतकार खेसारी लाल यादव के सितारे इन दिनों बुलंद है। खेसारी की फिल्मों को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन खेसारी लाल यादव अपनी बढ़ती लोकप्रियता से डरे हुए हैं। दरअसल खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने प्रशंसकों से बात की। पहले तो उन्होंने अपने नए गाने हसीना को मिल रहे प्यार के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद बिना नाम लिए खेसारी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे लोगों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को सबने मिलकर परेशान किया और नतीजा यह हुआ कि आज लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक आदमी ने YouTube से मेरा गाना डिलीट करवा दिया है और मुझे लगातार परेशान कर रहा है। वो मेरा करियर खत्म कर देना चाहता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों खेसारी लाल यादव के कई सारे गाने YouTube से अचानक डिलीट हो गए थे। तो वही खेसारी ने अपने लाइफ में बिना नाप लिए पवन सिंह पर निशाना साधा है। खेसारी ने कहा, चाहे बड़का भैया के सपोर्ट में पूरी इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, लेकिन वो घबराने वाले नहीं है। आपको बता दें, खेसारी पवन सिंह को अपना बड़ा भाई मानते थे। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोनों में टकराव देखने को मिलती है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। खेसारी के लाइव पर आए कमेंट्स में बड़का भैया का मतलब पवन सिंह से लिया जा रहा है। खेसारी ने आगे कहा कि बड़का भैया मेरी लोकप्रियता से घबरा गए हैं, इसलिए अपने लोगों के साथ मिलकर मुझे तबाह करना चाहते हैं। कोई कुछ भी कर ले, मैं घबराने वाला नहीं। मैंने अपनी पहचान पर अपने दम पर बनाई है। आपको बता दें, पवन सिंह खेसारी पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर दम है तो मेरे सामने आकर बैठे और गाना गाए, फिर पता चल जाए कौन कितना बड़ा संगीतकार है। तो वही खेसारी ने कहा था कि पवन सिंह मंच पर दारू पीकर जाते हैं। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए वोकल न्यूज के साथ।